करके दिखाया ना कुछ अगर आपको याद यार मुझे याद नहीं है सच, बट उसमें हमारे कुछ वर्ड्स होते थे यार, बड़ा टॉप मेरा बड़ा सीरियस था लेकिन उसके अंदर टाइमिंग होती थी, तो मैं थोड़ा वो श्रूड आदमी होता है लेकिन जो है वो काम भी है और वो बेसिकली ईविल माइंड होता है उसका और वो प्लानिंग करता है सारी और फैसल जो है उसको ख़राब कर देता है इवेंचुअली, तो इस तरह होता है। मैं उसमें बोलता हूँ यार बड़ा टोकन आदमी है यार तू, तो फैसल की फिर एक बड़ी हाई पिच टोन होती थी, यार मैं समझा रहा हूँ ना यार तुझे, तू समझता है कि तो इस तरह का वो एक हमने कॉम्बिनेशन बनाया था, एक आदमी बिल्कुल भोला भाला सा है गांव से आया हुआ है और एक शहर में रह रह के आया गांव से हुआ बहुत श्रूड हो गया, सो आई वॉज काइंड ऑफ अ प्लानर। तो ये जो आपकी और फैसल की दोस्ती है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़े, गाना इस पे गाने बने, इस पे अफसाने लिखे गए, ये दोस्ती यहाँ से शुरू हुई थी या पहले से थी? नहीं बिल्कुल, असल में मैं और तुम से हमारी दोस्ती ज़रा अच्छी हो गई थी, लेकिन एक दफ़ा हम एक अवार्ड फंक्शन में गए हुए थे दुबई, तो वहाँ हमारी दोस्ती हुई है। ऐसा क्या हुआ दुबई में? ऐसा हुआ ये कि उनको तो मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, आपको भी जान रहा हूँ, तो ऐसा क्या किया? ऐसा जो हुआ वो इंसिडेंट ऐसा हुआ कि वो अवार्ड मुझे लगता था फैसल को मिलना चाहिए था और वो मिल किसी और को गया, तो मैंने वहीं पे बोल दिया सबके सामने, मैंने कहा यार ये तो इसका अवार्ड था यार, ये किसी और को कैसे मिल सकता है, तो उस पर फैसल ने कहा यार कैसे तुमने सबके सामने बोल दिया, जिसको अवार्ड मिला उसको बोल दिया, तो वहाँ से फिर वो मिला किसको था अवार्ड यार? हुमायूं को मिला था। उन्होंने माइंड किया? हाँ नहीं नहीं, दोस्ती इतनी हम लोगों की माइंड नहीं किसी ने। अच्छा वैसे ये बड़ी जबरदस्त बात है कि आप ये जो आप लोगों का पूरा ग्रुप है, आप हुमायूं, अदनान, फैसल, ये आप लोगों की दोस्ती माशाल्लाह बरकरार रही है। हाँ हमने आप लोगों के कभी भड्डे नहीं हुए? बिल्कुल कभी भी नहीं हुए। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे अदनान से हुआ था, मेरा एक आध दफा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। उन्होंने तो आपका रोल भी मारा था ना पहला अरूसा वाला? नहीं वो मुझे ऑफर हुआ था, मारा नहीं था उसने रोल, मैंने वो नहीं किया था, मैं उस वक्त पढ़ रहा था तो मेरी अम्मी ज़रा स्ट्रिक्ट थी, उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि मेरे अब्बा जो हैं वो भी लाइव जब ड्रामे होते थे उस वक्त वो उन्होंने थोड़े से एक दो प्रोजेक्ट्स किए थे, तो कहने लगे बड़ा टाइम वेस्ट होता है, बिल्कुल तुम नहीं करना। अब्बा मेरे सपोर्टिव थे, वो कहते थे करो यार करो, तो बस वहाँ वो मुझे जब ऑफ़र हुआ मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं पढ़ रहा था, तो फिर मेरी अम्मी ने मुझे मना किया कि मत करो, तो मैंने मना कर दिया, फिर वो ऑब्वियसली अदनान को ऑफ़र हो गया था, अदनान भी उस वक्त नया नया मॉडलिंग में आया था, तो वो तो इस तरह, कब हुआ फिर आप दोनों का? वो बहुत बाद में हुआ था, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी बस उस पर, लेकिन फिर वो सही हो गया था, अपने दोस्तों ने करा दी, सेटिंग करा दी, तो वो फिर हमने मिलजुल के बात की तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया। एंड यू गाइस स्टिल हैंग आउट माशाल्लाह, मैं देखता हूं क्रिकेट आप लोग साथ में खेलते हैं, इवन ट्रैवल भी आप लोग साथ में करते हैं, खाना भी सब। तो हम लोगों का वो ग्रुप है बना हुआ है ऑन एंड ऑफ, हम काम की वजह से मिल ना भी पा रहे हों लेकिन जब मिलते हैं तो फिर बड़ी अच्छी, बट हम लोगों का कोई आपस में ये नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट हमेशा कर रहे होते हैं, फोन पे इन टच होते हैं। इस बात पे तालियां बनती भाई हमारे जो सीनियर, तो एक्टर तो कहना ही पड़ेगा सीनियर एक्टर है, इनकी दोस्ती के किस्से जो हैं वो माशाल्लाह बड़े मशहूर हैं, हम देखते भी रहते हैं। मैं जो कंप्लेंट का एक जिक्र कर रहा था ऑफ लेट, आप बहुत थोड़े थोड़े टाइम के लिए ड्रामों में आते हैं, इसकी क्या वजह है? फुल फ्लेज्ड रोल, क्या कैरेक्टर लिखे नहीं जा रहे हमारे सीनियर एक्टर्स? मैंने नंद ड्रामा जो है वो लास्ट एक बड़ा ड्रामा था जिसमें एक फुल फ्लेज रोल था वो किया, उसके बाद मुझे कोई स्क्रिप्ट ऐसा समझ नहीं आ रहा था, छोटे छोटे कैरेक्टर्स थे जो कि इम्पैक्टफुल थे, सो मुझे लगा कि यार ये इसमें एक इम्पैक्ट तो है ना कैरेक्टर का और उसमें मुझे थोड़ा सा मार्जिन भी मिल जाएगा परफॉर्मेंस के लिए, तो फिर मैंने वो सिलेक्टिव होके कोई 5-6 प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन अब जो कुछ फॉर्चुनेटली 2-4 क्योंकि चैनल्स भी बहुत ज़्यादा हो गए तो अब चॉइस ज़्यादा आ गई, स्क्रिप्ट ज़्यादा आने लगे, तो अब मैंने जो 3-4 मेरे अभी नए ड्रामे आने वाले हैं वो मुझे लगता है कि फुल फ्लेज रोल होगा, वो शिकायत ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तालियां इस बात पर, ख़त्म हो जाएगी। आर यू हैप्पी विद द काइंड ऑफ कॉन्टेंट जो बन रहा है, क्योंकि आप प्रोड्यूसर भी हैं खुद भी? थोड़ा सा मुझे लगता है मोनोटनस है, चेंज की ज़रूरत है, बिकॉज लोग जो हैं हमारे देख रहे होते हैं वेब सीरीज़ और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप डिफरेंट किस्म की स्टोरीज़ देख रहे होते हैं, बड़े आपके पास चॉइस आ गई है कि आपने जो जिस जॉनरा की फिल्म देखनी है या वेब सीरीज़ देखनी है तो वो आप देख लेते हैं, तो हमारे यहाँ अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ नए चैनल्स आए, वो एक्सपेरिमेंटल काम कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंटल काम बहुत कम हो रहा है, मुझे लगता है उसकी एक बहुत बड़ी मार्केट है
और उसको एक्सप्लोर करना बड़ा ज़रूरी है. तो उसमें एक्टर को भी काम करने में मज़ा आता है, ऑडियंस को भी थोड़ा सा चेंज मिल जाता है. सो आई थिंक देर इज़ अ नीड, देर इज़ अ गैप, उसको फिल करना ज़रूरी है. इस वक्त जो भी पहल करता है उसको एडवांटेज उसका स्टार्ट करने का मिल जाता है. सो मुझे लगता है अभी एक स्पेस है बहुत बड़ी, जो कि हमारे पास बहुत सारे जॉनर्स हैं. जैसे हॉरर में कम काम हो रहा है हमारे पास, रोमांटिक थ्रिलर बहुत कम है, रोमांटिक बहुत कम, एक्शन है ही नहीं, एक्शन तो बिल्कुल नहीं है. तो अब थोड़ा थोड़ा चेंज आना शुरू हुआ है. कुछ चैनल्स हैं जो एक्सपेरिमेंटल काम कर रहे हैं और कुछ हैं जो फार्मूला काम करते हैं बिकॉज वो रेटिंग वाइज हमारी मैसेज की जो लाइकिंग है उसके हिसाब से लेके चल रहे हैं, रिस्क नहीं ले रहे होते. सो मुझे लगता है कि रिस्क लेना ज़रूरी है, स्पेशली बड़े चैनल्स जो हैं अगर वो कोई एक्सपेरिमेंटल काम करते हैं. सो आई थिंक लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ देखने और को. आपको ये क्यों लगता है कि कॉमेडी क्यों कम हो गई है? आपने इतना किया कॉमेडी और इतनी माशाल्लाह उसकी, ऐसा नहीं है कि व्यूअरशिप नहीं है, इतनी व्यूअरशिप है, लोग पसंद करते हैं, बट कम क्यों हो गए? कम मुझे यूँ लगता है इसलिए हो गई कि वो रमज़ान की तरफ ले गए हैं उसको. बट वो भी कॉमेडी तो नहीं है. हाँ, बहुत लाइटर लाइटर कॉमेडी है. सो मुझे लगता है कि कॉमेडी के ऊपर कम काम हो रहा है. आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो हमने उसको सिर्फ एक स्पेसिफिक कर दिया कि जी रमज़ान के लिए सेव और वो एक सिटकॉम फॉर्मेट से हम हट गए. हाँ, वो सिटकॉम अच्छा, एक्चुअली कॉमेडी लिखना बड़ा मुश्किल काम है और उसमें एक्टर की इन्वॉल्वमेंट बड़ी ज़रूरी है कि वो एक्टर जो है अगर वो खुद उसको कैसे बना लेता है अपने कैरेक्टर को कि वो लार्जर देन लाइफ बन जाते हैं. तो वो दो चार चीज़ें आईं, एक जैसे वो बुशरा आपा ने किया था, वो जो उनका एक कैरेक्टर था बड़ा अच्छा वो हुआ, फिर चौधरी नज़ाकत आया. इस तरह उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बड़ा कैरेक्टर कॉमेडी का आया. लेकिन हमारे यहाँ एक मसला ये भी होता है कि एक्टर जब कॉमेडी करता है और वो कोई अच्छा कर जाता है तो वो फिर एक छाप लग जाती है. फिर वो सीरियस रोल में ना लोग, मैं जब वो करता था किस दिन मेरा ब्याह होगा, तो मुझे उससे निकलना बड़ा मुश्किल हुआ. मुझे वो इवेंचुअली उसको ब्रेक करना पड़ा. दो मतलब तीन साल मुझे लगे कि लोगों का परसेप्शन क्लियर करने में कि यार सीरियस काम भी करता आया था भाई ये, तो सिर्फ कॉमेडी नहीं. तो जो पाकिस्तान में कॉमेडी बननी थी सबसे पहला फ़ोन मुझे आता था कि आपकी डेट्स अवेलेबल हैं. तो मैंने मुझे छोड़ना पड़ा बहुत सारा काम ताकि मेरी एक वो ख़राब ना हो कि भाई ये सिर्फ एक कॉमेडी ही कर सकता है. बट अभी रिसेंटली आपने मैं सीरियस काम किया. हाँ. और मैं दोबारा चाहूँगा कि आप लोग अप्रिशिएट करें एजाज को, कि वो आपका सीन था एक एंड आई वाज लाइक यार